रिएक्शन और मैं हूँ आपका होस्ट मेहरान नासिर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खतीजा वसीम। सबसे पहले तो आपने हमारी जो पुरानी वीडियो है उनको बड़ा प्यार दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ अब हमने जिस तरह इमरान खान की रोस्टिंग वीडियो थी, इसी तरह अब हम करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से। रोस्टिंग में बायस्ड बिल्कुल भी नहीं, बायस्ड नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा इंतहाई इंटरेस्टिंग और मजेदार सी होने वाली है ये भी वीडियो। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आए चलते हैं वीडियो की जाने। ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। लो जी, अमेरिका ने हिंदुस्तान का वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा होना कहता क्या कह रहे हैं। तो मुझे पता है कि व्यक्ति इस देश को बचा सके, पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके। कौन है जी? मोदी जी। मोदी जी का भी यकीन नहीं हो रहा। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दे तो हमारा देश बच जाए। और लोग मर रहे हैं यार इस वजह से, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारा इंडिया परेशान है फिलहाल। फर्क नहीं पड़ता, और मोदी डार्लिंग तो सिर्फ मन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए भी तो डोनेट किए थे पीएम केयर फंड के लिए। मुझे लगता लिख के डाल दिया मैंने, अपनी जेब में पैसे डालने लगा। ये देखो, ये ऐसे गए और ये यहाँ पे काट दिया अंदर। क्या बात है मोदी जी आपकी भी, मतलब क्या ही बात कर देते हो। देखो यार, बात इतनी सीरियस है कि सेकेंड ईयर की वजह से वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो चुकी है, और मतलब पेशेंट्स को सोने के लिए बेड्स तक नहीं हॉस्पिटल में। लेकिन यार ये बाबा भरोसे वाला है कि मतलब कोरोना पेशेंट्स का मजाक उड़ा रहा है खुलेआम सबके सामने। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो ही नहीं सकता, मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। क्या बोला? बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर दो सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर भर सिलेंडर कम पड़ गए। क्या बात है, साइंस नहीं पढ़ी लगता है इन्होंने। भाई ने ध्यान लगाओ, आइए भाई देख क्या इसको संभालो। देखिए, अरे भाई तू तो बात ही मत कर भाई, तूने तो मतलब कोरोना की मेडिसिन ही निकाल दी थी कोरोना वैक्सीन से पहले। हम तो इम्यूनिटी बूस्टर की तो बात ही नहीं कर रहे, पेशेंट्स को एज ए मेडिसिन उसको दिया गया और उसके अप्रूवल लेकर के दिया गया और उसके रिजल्ट आए बता दिए। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। टू बी ऑनेस्ट यार, गलत मत समझना, लेकिन यार शक्ल से तो मुझे एकदम कचरा सेठ जैसे लगता है। 150 रुपया देगा। वैसे अनबख्त, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी कि इंडिया में जब इतनी जरूरत थी ऑक्सीजन की, तब ऑक्सीजन कहाँ से आया? मेरे नबी के शहर से, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया था ऑक्सीजन। और तुम अनबख्तों में से कुछ लोग होते हैं जो हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं, और ये तो हद हो गई भाई साहब। ऑक्सीजन टैंकर जो सऊदी अरेबिया से आते हैं उनके ऊपर रिलायंस के स्टिकर लगा रहे हो। किसके स्टिकर्स? रिलायंस के। वो ला इलाहा लिखा हुआ है, वो इंडिया सऊदी अरेबिया का ना फ्लैग। यार रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, मदद तो मदद है। अरे शर्म करो। ऑक्सीजन टैंक खाली करके लौटा देना, उसे अपने बाप का माल समझ के बेच मत देना। मैं बंगाल वासियों के कहता हूँ, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहे। एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार दे दो, आपकी भलाई के लिए खपा दें। बीजेपी का बंधन लगा दिया। क्या बुरा आ रही भाई बीजेपी वेस्ट बंगाल में, थू पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई बीजेपी की। हमारा आटे का थैला और मोदी तिरालंग करके कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वैसे मोदी जी, आप पीएम बनने से पहले बहुत कुछ बोलते थे पाकिस्तान के बारे में, लेकिन आजकल आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। अब कौन से लव लेटर मौके पर अक्कियां ने लिखे लव लेटर को ढेर सारी मुबारकबाद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब हम नजर डालते हैं पेट्रोल और इकोनॉमी के ऊपर, उसमें कितना उतार और चढ़ाव है। वो चढ़ाव नीचे इकोनॉमी मोदी जी के बाद इकोनॉमी में आगे मोदी जी लगे। पेट्रोल और डीजल का तो पूछो हिम्मत सेंचुरी पार हो चुका है। और मतलब यार क्या बताऊं आपको, मोदी है तो मुमकिन है बस। और वो बनाया पेट्रोल कौन डला रहा है भाई? अरे यार गिनती के कुछ लोग है बस, उनके लिए तो कम से कम कुछ तो कम कर दो पेट्रोल का प्राइस। लेकिन नहीं, 100 का 100 ही रहेगा भाई। सेंचुरी मतलब सेंचुरी से इतनी मोहब्बत क्यों है मोदी जी को? अरे शर्म करो, तो इनका 100 है, मतलब पाकिस्तान 200 हुआ ना। कई और स्टेट्स में बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं हालत पेशेंट्स की, मतलब हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं। ये कोरोना के टाइम की बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे। बहुत बुरा टाइम आया था, मतलब पाकिस्तान में भी था नॉर्डर, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा था। हाँ, जो चीज गलत है। और मुझे लगता है कि वीडियो बनाई है ना, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी यार, मतलब बीमारी का मजाक नहीं है। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है भाई मेरे आगे करो, मोदी जी ले गया, मोदी जी मोदी और केजरीवाल से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है। हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? अरे बोलना मुझे, बोलती की बंद हो गई। ये दिखाया कि इनके भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अपने अपनी बात नहीं करते। आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया है, ऑलरेडी चल रहा है सर। दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे देखे लगवाई लग रही है ना? रेट होना चाहिए नंगा करके नहला। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी क्या रहा मोदी इस वक्त? कोविड, बाल लंबे, दाढ़ी लंबी और सारा कुछ। लोगों को उनके सवाल को जवाब अभी तक नहीं मिला। मेरे को आज तक मेरे पत्रकार और अच्छे दिन नहीं मिले। ठीक है रे, ठीक है, लगी आपको भी। देखो मैं कहती हूँ वीडियो अच्छी है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ मोदी के बात तक। देखो मुझे लगता है कि कोविड वाली सिचुएशन वो बड़ी हाइप थी और वो उसमें जितने भी लोग मैंने वो इंडिया के, वो दूसरे मुल्कों के, वो हम सबके लिए। लेकिन मोदी जी ने भी ना ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रखी थी, अमेरिका लाइन में लगेगा, फिर क्या करेगा जी, लव लेटर लिखा रही क्या बनाने वाले, जिसने भी किया अच्छा रूस किया मोदी जी को भी ना। तो मोदी जी आप क्या करते हैं यार, अपनी धोती धोती ना ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन मैं ये चीज सोच रही हूँ, लिटरली जब यहाँ पे हमारे तो 5 सूबे हैं और जब इतना ज़्यादा कोविड का था तो दूसरे सूबों में इतना नहीं था, मतलब कराची और सिंध, मतलब कराची वाली साइड पे लाहौर में ज़्यादा केसेस थे, तो कितना मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। तो उनकी तो स्टेट्स इतनी ज़्यादा तो बस ठीक है। अभी हम कोविड को थोड़ा कर रहे हैं, अभी तो मोदी जी को कर रहे हैं। मोदी जी ने कोविड ठीक था, वो चले गया, बस हमने रोस्टिंग की, इमरान खान ने रोस्टिंग की मोदी जी की, हमें भी पेशेंट्स का कोई हमें नहीं है। हाँ तो बस छोड़ दे, छोड़ दो पेशेंट को, बाकी मुझे तो मोदी जी की स्टेटमेंट, मोदी जी की स्टेटमेंट को छोड़ो, मोदी जी ने जो किया बस उस पे आए। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी ऐड और उस पर जाकर सजेशन जरूर दीजिएगा। आप लोग कहेंगे रटे मार के आती होगा, तो तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह के बाद।